हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो सुबह हो गई है और पता नहीं क्यों मेरे से आज फिर आंखें नहीं खोली जा रही है और धूप में खड़े होकर इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। और मैं खा रही हूँ सुबह सुबह अंगूर। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आगे बैठ देखो, मैं मम्मी से बहुत टाइम से बोल रही थी काम वाली बाई रख लो, काम वाली बाई रख लो। हमने फाइनली पुणे से बुलाई है, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, एचएम वाली, काम वाली बाई। इसके मैं आपको प्रोज बताती हूँ। ये बाई खाना ही बनाती है, झाड़ पोछा भी करती है, घर के काम भी करती है और एक रुपया नहीं लेती। तो हर से झाड़ू लगा रहा है, लवी नहाने गया है, पापा ने नहा लिया है, मम्मी नाश्ते की तैयारी कर रही है, फिर मैं जाऊंगी, नाश्ता वाश्ता करेंगे और आज शायद मैं और लवी जाएंगे आरटीओ ऑफिस। हमने ड्राइविंग तो सीख ली थी लेकिन हम लाइसेंस नहीं बनाया, पापा हमें गालियां दे रहे हैं। पापा कह रहे हैं तब तक गाड़ी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, तो लर्निंग नहीं बना के लाओगे। और ये देखिए पापा सुबह सुबह यूक्रेन की न्यूज़ देख रहे हैं और मैं थोड़ा लेट होगी। जस्ट पापा ने अभी बीन्स काटे हैं, ठीक है, वो बीन्स यहाँ हैं, वो देखिए। सो ये हमारे पापा जी ने काट दिया बीन्स और है जा लाओ लाओ इधर, गुड मॉर्निंग। ये तो देखिए किचन में घुसो नहीं, काम पकड़ा देते हैं घर वाले, इसीलिए मेरा मंत्र है, मेरा सीक्रेट है किचन में, आओ ही मत। सो मैं आइए नाश्ता करते हैं और उसके बाद तैयार होके निकलना है हमें आरटीओ ऑफिस। आ जाएंगे देरी तो है, आ जाएंगे मम्मी। सो ठीक है, फिर मैं नाश्ता कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे नाश्ता करने के बाद। सो हम लोग हो गए हैं रेडी आरटीओ ऑफिस जाने के लिए एंड जस्ट फिंगर क्रॉस्ड आरटीओ ऑफिस खुला हो। सो लेट्स गो। इसको कहीं इसको रख लिया और ये देखिए पहचानो कौन ये हर्षित है कि लवी है, कॉमेंट्स में बताइए। सो हम लोग हो गए हैं तैयार जाने के लिए एंड बहुत ज्यादा धूप है, मैं तो सनस्क्रीन वगैरह लगा के पूरा रेडी सेट गेट गो हो गई हूँ। और ये रहा मेरा हेलमेट। सो आइए चलते हैं आराम से आरटीओ ऑफिस और बनाते हैं कार का लाइसेंस और ठोकते हैं लोगों को। अब फिर तेरे को परमिशन मिल जाएगी लोगों को ठोकने की। सो मैं जा रही हूँ आज परमिशन लेने, एग्जैक्ट लीगल हो जाएंगे फिर हम ठोकेंगे। सो हम लोग पहुंच गए आरटीओ ऑफिस, वो रहा सामने एंड अभी हम आए हैं एक दुकान में और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे लर्निंग के लिए। ये लोग सब कुछ कर देते हैं, फिर अंदर जाके बस फॉर्म सबमिट करना होता है, बस आई होप ज़्यादा टाइम ना लगे। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शिकंजी पीने के लिए, अंदर ना टेस्टी टेस्टी शिकंजी भी मिलती है, आई जस्ट होप मिल जाए। सो लेट्स गो। सो हम लोगों ने कागज वागज सब बना लिए, ठीक है, बाहर दुकान में जो अंकल होते हैं वो पूरा कर देते हैं काम। तो एनीवे ये हमने बना दिया, बस जाके हमें इसको सबमिट करना है एंड दैट देन वी आर गुड टू गो। आई बिलीव एक से डेढ़ घंटा लगेगा शायद, मैक्स आधा घंटा तो हो गया अभी। अब आपको पता है क्या, गाड़ी तो चलाना मैंने सीख लिया, मतलब लर्निंग, ठीक है, अब परमानेंट बनाने में आने वाली है दिक्कत। रीज़न, गाड़ी चलाने भी तो सीखनी पड़ेगी। काश वो जुगाड़ वाले अभी भी होते हैं यार, जिंदा ऐसे बना लेती, लेकिन नहीं, ऑन अ सीरियस नोट आई विल हैव टू लर्न ड्राइविंग नाउ। पूछते हैं ना वो, मेरे को पता ही नहीं इसमें से, लिटरली मुझे नहीं पता है आते साइंस किस चीज़ के हैं, सिर्फ मुझे रेड सिग्नल पता है, पहले के चार पता हैं। सो हम लोग फाइनली फ्री हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं शिकंजी पीने के लिए, और अगर शिकंजी वाला मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो गन्ने के जूस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आइए लेट्स गो और हेलमेट पहन लेते इससे पहले चालान कटे। सो अब हम पियेंगे गन्ने का जूस। आहा, गर्मियों के मौसम में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीने का मजा ही कुछ और है बाबा। और ये देखिए गन्ने के जूस के दुकान के सामने ही बहुत फेमस ये मोमोज की दुकान है, लेकिन हम हेल्दी चूज कर रहे हैं ओवर अनहेल्दी। रो रहा हूँ मैं बोलते हुए, अरे वाह, थैंक यू। घर आ गए और हम लोग गए थे करीब करीब पौने 11 बजे तक गए थे हम लोग, 12:01 मतलब हमें ढाई घंटा लगा है ओवरऑल घर आते आते, ठीक है। और ये देखिए मम्मी कर रही है खाना बनाने की तैयारी और पूछते हैं मम्मी से आज क्या बना रही हो, बताओ। कद्दू की सब्जी, जो ही बात, हाथ दिखाओ अपने, मत कर। मुझे इन टेस्टी हाथों को चूमने दो मम्मी। मम्मी आपने हमें मिस किया जितने दिन हम घर में नहीं थे, हल्ला कम हुआ था थोड़ा, हल्ला कर तो इतना शर्मागे क्यों बोल रही है। सो बस अब हम लोग घर पे आ गए हैं और आज है सैटरडे, छुट्टी ऑफिस की।
सब कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बैठूंगी अभी, हाथ में धो के रेस्ट करूंगी। आज धूप में गए ना, पूरा से सर भारी हो गया है। मेरा फेवरेट बताती हूँ, मेरा फेवरेट है कद्दू झोई भात, तोरी झोई भात, कद्दू भात, तोरी भात, पालक। तो चलिए चलते हैं अब अंदर, हाथ मुंह धोते हैं और चेंज करते हैं और फ्रेश होते हैं। और ये देखिए, हाय गाइस, और आज मैं तेले लेकर आई हूँ चोको ब्राउनी आइसक्रीम जस्ट फॉर यू। पापा जी एक मिनट इधर इधर को मुड़ना, एक मिनट, एक सेकंड ले लो, ऐसे करो ना। और ये देखिए, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर ना ठिकाना, क्या बात है। और लवी, पापा का मुसाफिर का मुसाफिर और आधी बाइक छुप गई है। सो खाना पीना खा लिया, जैसे कि आपने देखा अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम। और गाइस ऑन अ सीरियस नोट, बहुत ज्यादा टेस्टी है, देख लो ब्लैक ब्लैक, ये ब्राउनी है, ये वाली आइसक्रीम है चोको ब्राउनी। बता दो लवी, लैपटॉप पे देख कितना अच्छा लग रहा है स्मार्ट। अरे तेरे पाँव में क्या हुआ भाई? जीरा पाँव में क्या हुआ? लग गई, कुछ नहीं, बड़ाई नहीं कर रहा था, पापा ने दौड़ा दौड़ा के मारा तो बीच में दो तीन बार गिरा तो छिल गया था। गुड वन, आई लाइक इट। अच्छा पापा ने मार रखी है। हाय वासु, हेलो एवरीबॉडी, हाउ व्हाट आर यू डूइंग? क्या आप गाइस को अपना देखो। सो गाइस, वैष्णवी ने एक पेंटिंग बना रखी है, बहुत ब्यूटीफुल, दिखाओ ये देखिए। अरे वाह, और वासु जो है हमारी इधर देखो, वो आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा करती है और आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक रखती है, तो पेंटिंग्स वगैरह क्राफ्ट वगैरह सब बनाती रहती है। इसने ये देखो, हाँ ये इसने ही बना रखा है, ये बटरफ्लाइज। मेरी वॉल इसी ने खराब करी है, मैंने कहा जा तू एक्सपेरिमेंट कर यार। हाय गाइस, सो अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि मैं और हर्षित जा रहे हैं। सो ये देखिए, स्मार्टी बॉय स्कूटी लेके तैयार हो गया और हमने फाइनली अपना कीचेन बदल लिया है। और ये देखिए, स्मार्टी ने कितना अच्छा हेलमेट पहना है, अंकल वाला हेलमेट। सो अभी हम लोग खा रहे हैं पैटीज, उसके बाद जाएंगे घर को। सो हम दोनों घर आ गए और किचन में बन रहा है खाना। पापा देख रहे हैं वहां मूवी, लवी पढ़ाई कर रहा है लेकिन मोबाइल के साथ, और लवी को पता नहीं था हम कहाँ गए, क्या गए, वो बिल्कुल दुविधा में है, क्या करने गए थे। तूने एक नेट कैमरा ऑन नहीं किया था, पानी भर के लाई थी वो आंखों में, अभी भी जल रही है। देख देख देख, इसके इसके आंसू सही में आ रहे हैं, इसका मुंह देख इस भाई, सही में इसकी आंखों से पता लग रहा है ऐसे। तू देख तो लगे गांजा फूंक के आएगा। पापा इसको भुगवाएंगे कल। सुन ना, तू बता सकता है वैसे इसके रोने का कारण बता ना भाई प्लीज। अरे मैं जैसे ही कमरे में पहुंचा रो रही थी वो, पता नहीं क्यों रो रही है भाई, कारण तो तू ही है वैसे। शर्म नहीं आ रही तेरे को? हुआ क्या मेरे को बता, अपनी बड़ी बहन को बुलाते हुए। मैंने क्या क्या बहन? तू ही कह रहा है लड़की, बता ही नहीं रही। देख उसे भी बताऊं मैं, रो के बताऊं। देख देख देख, रो रही है, जूम जूम जूम, ये देख निकल गया आंसू, झड़ गया झड़ गया। पर मुझे खुशी है, मैं सर जीत गया, हाथ मिलाइए लवी। 500 रुपए की पार्टी, 500 रुपए का हम दोनों मिलकर खा के आएंगे। 500 दे रहा है तू उसको, तो 500 रुपए देगा उसको, उसे ले लेना अर्जित भाई, देख ले, मेरे को तो मिल जाने चाहिए अब जो देता है। और वो जो स्कूटी का कीचेन है, इसने मेरे को तब भी चढ़ाया। रुक रही है। हाँ ये वाला तो मैं भूल ही गया था, मैंने बोला था ना मैं कीचेन क्यों लाया, लवी ने 2 दिन तक खेला उसके साथ कीचेन, खेला खेला क्या था भाई। और जो और जो और जो, और जो सुन, और जो मैं बोल रहा था ना, लवी अभी भी तेरे को अपने गेंजुत्सु में रख रहा है, वो उसी एनिमे का है भाई। गेंजुत्सु क्या है? चूतियों पर रख रहा है मेरे को, वो तेरे को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रख रहा है जो उसने क्रिएट किया है।